नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि मेजर स्केल फॉर्मूला क्या है। हम हर स्केल के लिए अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे आगे के लेसनों में, पर ये मेजर स्केल के बारे में पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हमें बताएगा कि हमें इस स्केल में कौन कौन से नोट्स यूज करने हैं। ठीक है दोस्तों, मेजर स्केल में 7 नोट्स होते हैं, सारे गमा पाधा निशा यही इसका ही भाग है। तो हमारा मेजर स्केल हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथ में एक शीट लेंगे और उस पर सारे नोट्स लिख देंगे। ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी शार्प, और उन्हें नंबरिंग दे देंगे 1 से लेकर 12 तक। ए को 1 और जी शार्प को 12, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 1, 3, 5, 6, 8, 10 और 12, 1, 3, 5, 6, 8, 10 and 12, इन नोट्स पे नंबरिंग दे देंगे, मतलब टिक लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर स्केल, जो कि होगा ए मेजर स्केल, क्योंकि नंबर 1 हमने किसे दिया है, ए को, तो इसलिए हमारा हो गया ए मेजर स्केल। और जिसके नोट्स हो जाएंगे ए बी सी शार्प, डी ई एफ शार्प, जी शार्प एंड ए। इसी तरीके से हम और भी स्केल्स बना सकते हैं, जैसे कि अब इस जो आपने लाइन लिखी है उसे मूव कर दीजिए, यानी कि बी को दे दीजिए नंबर 1, 2 को दे दीजिए सी, 3 को दे दीजिए सी शार्प, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 को दे दीजिए ए शार्प। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस तरीके से 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 और 1 इस तरीके से मिलाकर हमारा बी मेजर स्केल बन जाएगा, जिसके नोट्स कुछ इस तरीके से हैं, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प एंड ए शार्प और बैक टू बी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम एक फॉर्मूले को यूज करके सारे स्केल बना सकते हैं, ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जो सा भी आप स्केल चाहें इस फॉर्मूले को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले लेसन में हम एक एक करके सभी स्केल्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेसन यही खत्म होता है। अपने आप क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये लेसन अगर पसंद आया है तो जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।